मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, कल शाम को चतुर कबीर का एक पद कहा था और उसकी चार पंक्तियों पर थोड़ा निवेदन रखा गया था। आगे की पंक्तियों पर थोड़ा विचार करें। शहर जरे पहरू सुख सोवे, कहे कुशर घर मेरा। पुरिया जरे वक्त निज उबरे, बिकल राम रंग तेरा। एक शहर में आग लग गई है, पूरा शहर जल रहा है, पहरेदार सो रहा है। किसी ने पहरेदार को जगाया और कहा, अरे तुम सो रहे हो, शहर में तो आग लगी है, उठो जागो। तो पहरेदार कहता है, नहीं, मेरा घर तो सुरक्षित बचा हुआ है, मुझे क्या चिंता है। पहरेदार सो जाए तो फिर पहरेदार कहाँ रहेगा, मतलब क्या होता पहरेदार सोने का, वो तो जागने के लिए है। कहते हैं कि एक सेठ यात्रा में जाने वाला था, बिल्कुल तैयारी कर चुका था। उतने में उसका पहरेदार आया और कहा, मालिक आप इस गाड़ी से मत जाइए, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। कहा, क्यों, क्या हो गया इस गाड़ी में जाने से? नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है, जाना है। नहीं नहीं मालिक, इस गाड़ी से आप मत जाइए, मेरे निवेदन है, आप तो जाइए ही मत। कहे, क्यों, क्या है? पहरेदार ने कहा कि आज मैंने सपना देखा है कि जिस गाड़ी से आप जाने वाले हैं उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत से लोग मर गए हैं, बहुत से लोग घायल हो गए हैं, इसलिए मैं भयभीत हूँ और इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस गाड़ी से न जाएं। बारंबार कहा तो सेठ जी कहे, चलो तुम कहते हो तो रुक जाता हूँ। सेठ जी नहीं गए। दूसरे दिन अखबार में छपा कि सचमुच उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत से लोग मर गए, बहुत लोग घायल हो गए। सेठ जी ने उस पहरेदार को बुलाया और कहा, भाई कि कल मैं जाने वाला था, तुमने रोक दिया, सचमुच में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है मैं भी होता तो मैं भी मर गया होता, तूने मेरा जीवन बचाया। लो ये 50,000 रुपये तुम्हारा इनाम, और कल से मेरी नौकरी पर ना आना, तो तुम्हारी छुट्टी नौकरी से। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, पहरेदार ने तो सेठ जी का जीवन बचाया और उसके लिए सेठ जी 50,000 का वो भी दे रहे हैं, पुरस्कार भी दे रहे हैं और नौकरी से निकाल रहे हैं। इतना सेवा परायण स्वामी भक्त पहरेदार इसको निकाल रहा है सेठ, ये तो अजीब बात है। तो लोगों ने कहा, सेठ जी बात हमारे समझ में नहीं आई, पहरेदार ने आपका जीवन बचाया, जाने से रोका, तो आपने 50,000 का इनाम दिया, ऐसे स्वामी भक्त पहरेदार को आप नौकरी से निकाल रहे हैं, इनाम दिया बात तो समझ में आती है, लेकिन नौकरी से निकाल रहे हैं ये बात समझ में नहीं आती। सेठ ने कहा, देखो ये मेरा पहरेदार है, मैं जा रहा था यात्रा में, इन्होंने मुझे रोक दिया, मैं रुक गया, मेरा जीवन बच गया, इसलिए इसे पुरस्कार दे रहा हूँ, लेकिन ये आदमी पहरेदार लायक नहीं है। इन्होंने कहा कि मैंने सपना देखा, सपना कब कम देखे, जब सोएगा पहरेदार सो जाएगा तो मेरे घर में चोर घुस जाएगा, ये पहरेदार लायक आदमी नहीं है ये, इसलिए निकाल दिया इसको। आज तो 50,000 का मेरा जीवन बच गया, कल सो जाएगा तो कोई चोर पूरी संपत्ति लूट कर ले जाएगा, तो पहरेदार ही सो जाए तो क्या होगा? साहब उदाहरण देते हैं, शहर जल रहा है, पहरेदार सुख से सो रहा है, जगाने पर कहता है कि मेरा घर सुरक्षित बचा हुआ है, ये हम लोगों पर व्यंग है। शहर जरे अंतकरण रूपी शहर में आग लगी हुई है,
भीतर जल रहा है, मन जल रहा है, पीड़ा से आदमी, दुख से, क्लेश से, व्याकुलता से सब पीड़ित हैं, और हम लोग सो रहे हैं, अज्ञान की नींद में सो रहे हैं, गाफली असावधानी की नींद में सो रहे हैं। संत बताते हैं, गुरुजन बताते हैं, अरे तुम्हारे अंतःकरण में तो आग लगी हुई है, तुम्हारा भीतर जल रहा है, कब तक सोते रहोगे, उठो। हम कहते नहीं गुरुजी, हम साधना कर रहे हैं, कुतर कहे कुतर घर है मेरा, हम भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सब चकाचक है, चकाचक कहाँ है, अंतकरण सुरक्षित कहाँ है, भीतर शांति कहाँ है। तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया क्या सोवे, पांच पच्चीस तीत है चोरवा ई सब कौन की ना चोर बटोहिया क्या सोवे। ठाकुर कहते हैं ए मुसाफिर, तुम्हारी गठरी को छीनने के लिए तुम्हारे पीछे चोर लगे हुए हैं। शांति की गठरी, सुख की गठरी, आनंद की गठरी, कल्याण की गठरी, विवेक धन की गठरी, इनको लूटने के लिए काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष के चोर निरंतर साथ लगे हुए हैं, और हम बेभानी में सो रहे हैं। सद्गुरु कबीर की एक एक पंक्ति कल्याण के लिए पर्याप्त है, यदि हमारे आंखें खुली हुई हो और हम जागने को तैयार हो। तो जागना नहीं चाहते, आंख बंद करके रखना चाहते हैं तो क्या होगा। गधे को चाहे जितना डंडा मारो वो घोड़ा तो नहीं बनेगा, उतना उतने हो गए, हम सब गधे बने हुए हैं। संतों का डंडा लग रहा है, ज्ञान का, विवेक का, विचार का, सावधानी का, लेकिन बस संत मिले, गुरु मिले, थोड़े सत्संग सुने, हाँ लगा कि बात से अब बिल्कुल, अब मैं कल से बिल्कुल ध्यान में बैठूंगा, साधना करूंगा, अब मोह माया में नहीं पड़ूंगा। दूसरे दिन हुआ क्या, अच्छा अभी तो चार बजे है, पाँच बजे भी नींद खुलेगी, ध्यान में बैठ जाएंगे, गए सब, वही मोह माया, वही राग द्वेष, वही छल कपट, वही बैर विरोध, जो का त्यों, कहीं कुछ सुधार नहीं। साहब कहते हैं तुम्हारा अंतःकरण जल रहा है, तुम्हारा घर लूटा चला जा रहा है, तुम्हारे भीतर शांति है, प्रसन्नता है, आनंद है, निश्चिंतता है, निर्भयता है। यदि नहीं है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा ज्ञान धन लूट गया है, शांति धन लूट गया है, और तुम कहते नहीं हम भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं। कहाँ साधन भजन हो रहा है, हम तो कहते महाराज हम नाम जपते हैं, रोज सुबह उठ करके नाम जपते हैं एक घंटा, रोज गंगा नहाने जाते हैं, रोज भगवान को पानी चढ़ाते हैं, भजन हो रहा है, कहाँ भजन हो रहा है। पानी चढ़ाओ, गंगा नहाओ, नाम जपो, किन अंतःकरण को तो देखें, वहां की स्थिति क्या है, भीतर बिल्कुल खाली हो गया है, भीतर भीतर घर मूसा हो। साकते तुम्हारे भीतर को तो सब चोर मूस लिए, चुरा लिए हैं, इसलिए जागे। साधना का अर्थ ही है हमारा ज्ञान धन, हमारा विवेक धन, हमारा शांति धन, हमारी प्रसन्नता का धन सुरक्षित रहे। यदि सुरक्षित नहीं है, मन में जलन है, पीड़ा है, दुख है, क्लेश है, तो साधना कहाँ हो रही है, भजन कहाँ हो रहा है। संत चेताते हैं फिर भी हम जागते नहीं हैं। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे विकल राम रंग तेरा। चतुरु कहते हैं तुम्हारे पास जो गठरी है उस गठरी में आग लगा दो। यदि तुम्हारी गठरी जल जाएगी तो गठरी में रखी हुई वस्तु बच जाएगी। आप कहेंगे उल्टी बात, कबीर साहब उल्टी बात करते हैं, गठरी में आग लगा दें गठरी जलेगी तो गठरी में रखी हुई वस्तु कैसे बचेगी। गठरी जलेगी तो उसके साथ जो वस्तु है वह भी तो जल जाएगी। साहब कहते नहीं, जब तक
तुम्हारी गठरी जलेगी नहीं, तब तक तुम्हारी जो वस्तु है, तुम्हारा जो धन है, वो बचेगा नहीं। धन को बचाना चाहते हो तो गठरी को जला दो। ये कौन सी गठरी है? अज्ञान की गठरी, वासना की गठरी। पुरिया जले, वासना की गठरी जलेगी तो वस्तु नहीं, जो ऊपरे अपने आत्मा का कल्याण होगा, उबार हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। और जब तक ये वासना की गठरी नहीं जलेगी, आत्मा को उद्धार होने वाला नहीं है। सद्गुरु कबीर कितनी करुणा से कहते हैं, संतों का, गुरुजनों का कितनी करुणा है हम लोगों पर। संत गुरुजन अपना कल्याण कर लिए थे, अपनी को साध लिए थे, एकांत में जंगल में बैठे हुए थे, होते भजन करते होते, तो उनका क्या बिगाड़, तो मुक्त थे। लेकिन उनकी कृपा, उनकी करुणा कि संसार के लोग दुखी हैं, इन दुखी जीवों में से कोई हो सकता है जग जाए, तो अपनी साधना छोड़कर, भजन छोड़कर वे हम लोगों के बीच आते हैं, मेहनत करते हैं, ठंडी में गर्मी में यात्रा करके, कहाँ कहाँ से कैसी कैसी तकलीफ सहन करके हमारे बीच आते हैं और हमें जगाते हैं। अहितु की कृपा उन लोगों की। सद्गुरु कबीर के मन में साधकों के लिए कितनी करुणा है, ऐसी करुणा करने वाले गुरु शायद कोई मिले। वे कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हूं बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। कोई साधक मुमुक्ष सद्गुरु कबीर के सामने आए हों, सद्गुरु ने उन्हें समझाया हो, रास्ता बताया हो, लेकिन साधक के मन में कल्याण के लिए उत्कंठा न जगी हो, तो साहब कहते हैं, हे भाई, मैं तुम्हें दादा कहने को तैयार हूँ, तुम्हें दादा मान सकता हूँ, पिता कहने को तैयार हूँ, पिता मानने को तैयार हूँ, बड़े भाई भैया मानने को तैयार हूँ, यहां तक कहो तो मैं तुम्हारे चरणों की गुलामी करने को भी तैयार हूं, तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार हूं, बस मेरी एक बात मान लो। वो क्या है? अब की बात, मनुष्य जीवन में वासना की गठरी को जला करके नष्ट कर दो, फिर तुम सदैव सदैव के लिए आनंदित हो जाओगे, दुख से सदैव सदैव के लिए बच जाओगे। कितनी करुणा है। सदगुरु हमें दादा कहते हैं, पिता कहते हैं, भाई कहते हैं, यहां तक हमारे चरणों के गुलाम बनने को तैयार हैं। ऐसा कोई गुरु मिलेगा? अपार करुणा। सदगुरु कबीर की वाणी को पढ़ो और विचारो तो पता चलता है कि उनका हृदय कितना कोमल, मक्खन भी बेकार उसके सामने, लेकिन हम तो एकदम कठोर बन गए, पत्थर से भी कठोर, इस पात जैसा हमारा हृदय, कुछ चुभता ही नहीं है। अब की पुरिया जो निर्वारे, यहां भी पुरिया का अर्थ है वासना की पुरिया, वासना की गठरी। क्यों क्लेश है मन में, क्यों पीड़ा है, क्यों भय है, क्यों चिंता है? क्योंकि तमाम प्रकार की वासना अंदर जमी हुई है, देखने की, सुनने की, खाने की, पीने की, भोगने की, पाने की, तमाम प्रकार की वासनाएं। और जब तक ये मिटेगी नहीं, तब तक क्लेश दूर नहीं होगा, पीड़ा दूर नहीं होगी। सदगुरु कहते हैं, अब की बात, मनुष्य जीवन में साधु संगति और साधना करके वासना की गठरी को चुका दो, सोजन सदानंद, फिर सदैव सदैव के लिए आनंदित हो जाओगे। एक ही काम करना है, सदैव के लिए बेड़ा पार। अब की बार जो हो चुकाओ, कहें कबीर ताकि पूरी दाओ। अब की बात, इतने वासना का चुकाव कर दिया, उसका दांव लग गया, उसके लिए हो गया पौ बारह। पासा खेलते हैं ना, तो कहते पौ बारह पे करते हैं, पूरी जीत हो गई उसकी। तो पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, विकल राम रंग तेरा। सदगुरु कहते हैं, यदि तुम वासना की गठरी को जला दो तो तुम्हारी आत्मा को उद्धार हो जाएगा।
और गठरी न जलाओ तो तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। अब हमें सोचना है गठरी को सुरक्षित रखना है या आत्मा को सुरक्षित रखना है। मूल्यवान कौन है? मूल्यवान तो है आत्मा, अपना स्वरूप, अपना चेतन। लेकिन हमने मूल्यवान मान लिया है वासना को, कुसंस्कारों को, उसको हम बहुत संभाल कर रखते हैं। आत्मा का ख्याल नहीं है। और वासना भी संभालते क्यों है? आत्मक सुख के लिए। लेकिन वासना सुख का साधन कब बनेगी? इसलिए जिस किसी प्रकार से, जिस साधना से हो, जिस रास्ते से हो, वासना की गठरी को जलाओ। यदवा तद्वा तदुच्छति पुरुषार्थ, इस सांख्य दर्शन में कहा गया है। यदवा तद्वा, जिस किसी प्रकार से, तदुच्छति अर्थात वासना को छेदन कर देना, वासना का नाश कर देना, यही पुरुषार्थ है। जीव का प्रयोजन है, यही सच्ची मेहनत है। जीव का पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ, पुरुष का अर्थ, पुरुष जीव चेतन, अर्थ प्रयोजन। गुरुदेव जी प्राय कहा करते थे, इस जीव को पुरुष क्यों कहा जाता है? चाहे स्त्री घट में हो, चाहे पुरुष घट में हो, नारी घट में हो, नर घट में हो, किसी घट में हो, सभी घट में निवास करने वाला जो चेतन है वो पुरुष है। पुरुष क्यों कहते हैं? दो अर्थ व्याख्या की जाती है। पुरी शेते पुरुष, पुरी शेते पुरुष, शरीर रूपी पूर्व में शयन करने के कारण इस जीव को पुरुष कहा जाता है। इस शरीर पूर्व है, गांव है, इसमें चेतन जी शयन कर रहा है, निवास कर रहा है, इसलिए शरीर पूर्व है। अब और पुरुष को, जीव को पुरुष कहते हैं। दूसरा अर्थ पुरुष, पुर कहते हैं आगे, उस कहते हैं जलाने को, जो आगे आगे जलाता जाए, जो आगे आगे ज्ञान प्रकाश करता जाए वो पुरुष। जीव का स्वभाव ही है ज्ञान। किसी भी खाने में जीव हो वहां वो ज्ञान गुण को लेकर के रहता है। हाँ, इतना जरूर है घट उपाधि के कारण कहीं प्रगटीकरण ज्यादा होता है, कहीं प्रगटीकरण कम होता है। एक कीड़ा बिलबिला रहो हो नाली में, सामने आप तिनका रख दें, पता चल जाएगा उसे आगे खतरा है, वो लौट जाएगा। ज्ञान तो सब में है। तो पुरुष जो आगे आगे ज्ञान प्रकाश करता जाए वो पुरुष है। उसका प्रयोजन क्या है? दुख की निवृत्ति, कल्याण की प्राप्ति। अब कैसे होगा? वासना के उच्छेदन से। इसलिए कहते हैं ऋषि, यदवा तदवा, जिस किसी प्रकार, जिस साधन से बने, वासना का, कुसंस्कारों का उच्छेदन कर दो, समूल विनाश कर दो। बस सोजन सदा आनंदा, सदैव के लिए आनंदित हो गए, क्लेश रह नहीं गया। हम ये काम नहीं करते। वासना त्याग, वासना निवारण, वासना निवृत्ति का काम नहीं करते। बाहरी दिखावा में पड़ जाते हैं, कर्मकांडों में उलझ जाते हैं। और कर्मकांडों में पड़े पड़े जीवन बीत जाता है। कितने लोग कहते हैं साहब ये तो मूर्ति पूजा है या नाम जप है, ये तो प्रारंभिक सीढ़ी है। अच्छा है, किसी बहाने प्रारंभिक सीढ़ी में रखो, लेकिन सीढ़ी मानी जाए कि खाई मानी जाए? बुढ़ा गए मूर्ति पूजा कर, 15 साल 20 साल की उम्र में मूर्ति पूजा शुरू की है, और 90 साल हो गए तो भी मूर्ति पूजा पड़ रहे हैं, तो चले गए खाई में। सीढ़ी की उपयोगिता क्या है? छत पर पहुंचने के लिए। लेकिन सीढ़ी को छत पर नहीं लगा लिए खाई में। अरे प्रारंभिक सीढ़ी है तो आगे बढ़ोगे कि वहीं बैठे रहोगे? कर्मकांडों का अपना मूल्य है, लेकिन कब तक? थोड़ी देर तक। हम उन्हीं उलझ जाते हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। साहब हम पर व्यंग करते हैं, कुबजा पुरुष गले एक लागा, पूजी न मन के श्रद्धा, करत विचार जन्म गौखी से, इतन रहत असाधा।
किसी युवती स्त्री की, किसी युवती लड़की की शादी नपुंसक पुरुष से कर दी जाए तो उस युवती के मन की इच्छा पूरी कैसे होगी, उदाहरण है। इसी प्रकार तमाम देवी देवता जो स्वयं बने हैं नपुंसक, अपनी अपने पर बैठे मक्खी को नहीं हटा सकता, पूज रहे उसी को जिंदगी भर। जो देवता स्वयं चुरा करके बाजार में बिक जाते हैं, जिन देवताओं को चोर चुरा करके बाजार में बिक दिए, बाजार में बेच दिए, वो आपकी रक्षा करेंगे। मैं खंडन नहीं करता, थोड़ा विचारो, पूजना चाहते पूजो, अपने पर मक्खी बैठे बैठे मक्खी को नहीं हटा सकता, कुछ नहीं कर सकता, अपनी रक्षा नहीं कर सकता। तमाम देवताओं की मूर्तियों से चोर आंख निकाल कर ले जाते हैं, देवता मना नहीं कर सकते। अरे मना न करो तो हल्ला कर दो, भैया मुझे चोर आ गए हैं, मुझे उतने कर लो, कुछ न करो तो कम से कम चोर को अंधा बना दो, चुरा तो ना पाए, चोर के हाथ पैर को ठूठे कर दो, भाग नहीं पाए का हल्ला कर दो। इतना भी नहीं कर सकता, उसकी पूजा कर रहे हो क्योंकि वो आपके वो उद्धार भी कर देगा, बेड़ा पार कर दे। अरे अपना बेड़ा पार कर लेना, बहुत हो जाएगा। साहब कहते हैं इस सारे देवता देवता है नपुंसक, इनकी कर रहे हो पूजा, कुछ काम नहीं बनने वाला है, जागो, कब तक भटकते रहोगे। और दुर्भाग्य से हिंदुओं में माने गए हैं 33 कोटि देवता, और जितने देवता है सबके सब सामर्थ्यशाली, सबके हाथ में तीर तलवार गदा भाला ये वो कोई ना कोई हथियार। और जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए, मुद्गदमी या असाबुद्दीन गोरी या और कौन लोग, ये सारे के सारे देवता टुकुर टुकुर ताकते रह गए, बैठे रह गए, एक भी मुसलमान को भगा नहीं पाए, इनका हथियार भोथरे हो गए सब के सब। किस दिन काम आएंगे ये? अब लगता है हिंदुओं को भी अपने देवताओं पर विश्वास नहीं रह गया, इसलिए हिंदू लोग जा रहे हैं मुसलमानों के यहां कब्र पूजने के लिए, मजार पूजने के लिए। कहां तक भटकोगे, कब तक अंधविश्वासी बने बैठे रहोगे? अब तो जागे। तो साहब कहते हैं कुब्जा पुरुष गले के लागा पूजी न मन की श्रद्धा, इससे काम नहीं बनने वाला है, जागो, अपने बाहु करो भैया वाला अपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे पियास, अपने बाहुबल का भरोसा करो, स्वयं साधना करनी पड़ेगी। देवता पूजो, भगवान पूजो, गंगा नहाओ, आपकी मर्जी, लेकिन बंधन क्या है, दुख का कारण क्या है तो समझना पड़ेगा, ये समझ ही नहीं रहे हैं तो वासना की निवृत्ति कैसे होगी? बिना वासना निवृत्ति के कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता है, कोई भवसागर से पार हो भी नहीं सकता है, और इसके लिए स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, स्वयं जागना पड़ेगा, अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। हम अपनी आंखों को बंद कर लें, देखो अभी सूरज निकला हुआ है, गर्मी बढ़ रही, पूरा प्रकाश, अंधेरी कोठरी में फाटक बंद करके आंखें बंद करके हम बैठे रहे और कहें कहाँ है सूरज, मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, तो दोष किसका है, सूरज का कि हमारा? अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी तब दुनिया दिखाई पड़ेगी, अपने बाहुबल का भरोसा करना पड़ेगा, अपने पुरुषार्थ का भरोसा करना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, तब उद्धार होगा। संत और गुरु भक्त सज्जन केवल रास्ता बताएंगे, प्रेरणा देंगे, हमारे लिए कल्याण ने वही नहीं कर सकते। लेकिन यहां भी आदमी कितना भटक गया, कितना भटक गया है, बड़ा आश्चर्य होता है। पूजा पूजा भी करता है आदमी तो अपने नहीं करता, कुछ लोग तो स्वयं मंदिर जाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े सेठ, उनको पैसा गिनने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि उनके लिए भगवान क्या है, पैसा भगवान है। अब तमाम प्रकार के कर रहे हैं गलत काम, तो करते क्या हैं, अपने घर में बनवा देते हैं मंदिर, और वहां किसी भगवान की मूर्ति रख ली है, किसी महापुरुष की मूर्ति रख ली है, और एक नियुक्त कर दिए पुजारी पुरोहित,
कि भाई देखो हम तुम्हें इतनी तनख्वाह देंगे और पूजा की पूरी सामग्री देंगे, हमारी ओर से तुम पूजा करते रहो, तो पुजारी पूजा करते रहेंगे और सेठ जी का पाप करता रहेगा। धोखा। कभी कहते हो भैया मुझे फुर्सत ही नहीं है, लो 100 रुपया, मैं तुम्हें रोज 100 रुपया दिया करूंगा, मेरे लिए खाना खा लिया करना, मेरा पेट भर जाएगा, चलेगा काम? जब आपके लिए कोई खाना नहीं खा सकता, कोई दूसरा भोजन करेगा आपका पेट नहीं भर सकता, पुजारी पूजा करेगा, आपको फल कैसे मिलेगा? फल पुजारी को मिलेगा ना। और पुजारी भी जानते हैं, आदमी का जब अपना काम होता है ना तो बड़ी ईमानदारी से करता है, अपने समर्पित हो करके करता है, निष्ठा से करता है, और जब पराये का काम होता है तब वही आदमी अपने खेत में जाएगा, स्वयं के खेत में जाएगा, तब पता भी नहीं चलेगा कि समय कितना बीत गया है, लगता है कि सूरज आज जल्दी जल्दी भाग रहा है। और जब मजदूरी करने जाएगा तब बड़ी देरी से जाएगा, और मन लगाकर काम नहीं करेगा, आधो धर मन लगाकर काम करेगा। तो अपना काम करना होता है आदमी को तो बहुत समर्पित होकर ईमानदारी निष्ठा से करता, पराया काम नहीं करता। पुरोहित को तो 4 घर पूजा करना है ना, जल्दी से करेगा, आधा मंत्र बोलेगा आधा छोड़ देगा, फल भी कैसे मिलेगा? वो तो कर रहा है नौकरी, उसे मतलब क्या है आपका पाप करता है नहीं करता? यहां भी बेईमानी, कितना भटक गया है आदमी धर्म के नाम पर। ये किराए का धर्म काम नहीं आएगा, किराए का की पूजा काम नहीं आएगी भाई, स्वयं करो। अरे कुछ तो करते हो, कर रहे हो, देवता मानते हो, भगवान मानते हो, पूजा करनी तो स्वयं पूजा करो, ये नौकर रखने की क्या जरूरत है? लेकिन पैसा गिने फुर्सत मिले तब ना, पैसा भगवान बन गया है। तो साहब कहते हैं, कुब्जा पुरुष गलत एक लागा पूजी न मन की श्रद्धा, ये बाहरी देवी देवताओं की पूजन करने से काम नहीं बनेगा, स्वयं जागो। करत विचार जन्म गौ खीसे इतन रहत असाधा, विचार करते करते विचार करते करते जन्म व्यतीत हो गया और जीवन असाध का असाध, अशुद्ध का अशुद्ध, गंदा का गंदा रह गया। विचार करना चाहिए, लेकिन खाली विचारते रहो और विचार कर्म में परिणत ना हो, मेहनत ना करो, तो विचार क्या करेगा? विचार का फल है विचार करने से जो सही लगे उस दिशा में मेहनत करना, खाली विचार क्या होता है? एक आदमी ने अपने मित्र से पूछा कि मित्र मैं अमेरिका जाने को सोचता हूं, कितना खर्चा लगेगा? मित्र ने कहा सोचने में कोई पैसा नहीं लगेगा, चाहे जितनी बार सोच लो, जाओ तो खर्चा लगेगा, सोच रहे हो तो खर्चा क्या लगेगा? सोचने में क्या, आप सोच करके ना दिन भर में अमेरिका में जा सकते हैं 50 बार, सोचते रहो 50 बार, खर्चा थोड़े लगेगा। तो खाली सोचते रहो। कितने लोग कहते हैं महाराज, बहुत लोग आते थे गुरु जी के पास, कहते थे साहब अब थोड़े दिन बाकी रह गए हैं नौकरी के, बाल बच्चों की शादी वादी भी सब हो गई है, बस नौकरी छुट्टी मिले, रिटायर्ड हुआ कि बस अब तो फिर पूरा जीवन आपके पास ही आकर के रहना है। अब रिटायर्ड हुए 10 साल तक गुरु से मिलना ही बंद कर दी 10 साल तक। एक युवक अच्छा था, होनहार, सत्संगी, पढ़ाई कर रहा था, नौकरी भी लग गई थी, गुरुजी को पत्र लिखे, गुरुजी अब 2 साल बाद बस आपके पास ही आ जाना है, पूरा का पूरा नौकरी छोड़ दूंगा, सब हो जाऊंगा, बस 2 साल बाद आपके पास आकर के पूरी जिंदगी आपकी शरण में रह करके साधना करूंगा। 2 साल बीत गए, गुरुजी उधर गए तो लड़का मिला ही नहीं, क्यों? उन्होंने लिखा था कि 2 साल गुरुजी 2 साल बाद आपके पास आऊंगा, तो 2 साल उन्होंने कर ली शादी कर ली। तो विचारने से क्या होता है? विचारो जरूर, लेकिन विचार को कर्म में परिणत करो। हम कर्म में परिणत नहीं करते। साहब कहते हैं करत विचार जन्म गौ खीसे, विचार करते करते अब कल्याण काम करूंगा, अब कल्याण का काम करूंगा, अब कल्याण का काम करूंगा, ऐसा करते करते
जन्म समाप्त, इतन रहत असाधा, और जीवन असाध का असाध, अशुद्ध का अशुद्ध, गंदा का गंदा, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाए, बाकी और पीछे पड़ गए। ज्यों ज्यों बुढ़ापा आता है, चिंता बढ़ती है, तृष्णा बढ़ती है, शिकायत बढ़ती है, मोह बढ़ता है, लिप्सा बढ़ती है। जवानी में जो भजन नहीं कर पाता, बुढ़ापा में क्या भजन कर पाएगा? फिर तो जवानी का कुछ संस्कार सामने आएगा। इसलिए आज जागना होगा हम लोगों को, और आज से ही उसमें लग जाना होगा। जानी बूझ जो कपट करत हो, तही असमंद न कोई, कहीं कबीर तही मूढ़ को भला कौन विधि होई। जो जान बूझ करके कपट करता है, उसके समान मंद, उसके समान निर्बुद्धि दूसरा कोई नहीं है। सदगुरु कहते हैं, कहीं कबीर तही मूढ़ को, ऐसे मूढ़ व्यक्ति का कल्याण कैसे हो सकता है? अनजान में गलती हो जाए तो सुधर सकती है, जानबूझ करके गलती कर रहा है सुधरना मुश्किल, क्योंकि जानबूझ करके गलती कर रहा है। अज्ञानी आदमी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी आदमी को जगाया जा सकता है, ज्ञानी को जगाना बड़ा कठिन है। कठिन क्या? असंभव है। ज्ञानी समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि तो सब जानता ही जानता है। तो जो अनजान में है, संतों की संगति पाकर, किसी भक्त से प्रेरणा पाकर ठोकर लगने पर तो जग जाता है, लेकिन जानबूझ कर गलती कर रहा है। जान बुझ जो कपट करो तू है, साक्षात जानबूझ करके कपट कर रहा है, जानबूझ करके गलत रास्ते में जा रहा है, उसको क्या जगाओगे? उसको उद्धार कैसे होगा? गोस्वामी जी का दोहा है, जानी सुनीति कुनीति रत, सोवत ही रहे सोए, जानी सुनीति कुनीति रत, जागत ही रहे सोए, तुलसी ते ही उपदेश वो भला कौन विधि होए, तुलसी ते ही जगाए वो भला कौन विधि है। जो जान बुझ कर, जानी सुनीति, जो सुनीति को, नियम को, मर्यादा को, कानून को जान करके कुनीति में जा रहा है, गलत रास्ते में जा रहा है, और जागते हुए सोने की नकल कर रहा है, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे आदमी को समझाना और ऐसे आदमी को जगाना कठिन है। कोई आदमी सो गया है गाढ़ी नींद में, उसके सामने जाकर आप पुकारो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो जग जाए। गाढ़ी नींद में है एकदम, होता तो एक बार में न जगे, दो बार तीन बार पुकारो तो जग जाएगा। लेकिन जो जाग ही रहा है और चादर ओढ़ करके सोने की नकल कर रहा है, उसके सामने जा करके ढोल ढोल भी पीटो ना, कितना नगाड़ा पीटो, जागेगा ही नहीं, क्योंकि जाग ही रहा है। ऐसे ही जो जानबूझ करके गलत कर रहा है, जानते हैं साधना का मार्ग क्या है, कल्याण का मार्ग क्या है, दुख निवृत्ति का मार्ग क्या है, संयम का रास्ता क्या है, ज्ञान का है, और फिर भी साधना विरोधी काम कर रहे हैं, भक्ति विरोधी काम कर रहे हैं, वैराग्य विरोधी काम कर रहे हैं, ज्ञान विरोधी काम कर रहे हैं, कौन हमें समझाएगा? साहब कहते हैं तही असमंद ना कोई, उसके समान मंद, उसके समान मूढ़, अभागा, दूसरा कोई नहीं है। कहीं कबीर तेह मूढ़ को भला कौन विधि हो। साहब कहते हैं ऐसे मूढ़ का कल्याण कैसे हो सकता है? हम मूढ़ ना बने, अभागा ना बने, जो जान रहे हैं उसका जीवन में प्रयोग करें। प्रयोग करते रहेंगे, प्रयोग करते रहेंगे, साहस बढ़ता रहेगा, शक्ति बढ़ती रहेगी, और आगे आगे फिर जितना करना बाकी है वो सब का काम धीरे धीरे पूरा होता रहेगा। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है। जहाँ तक चलेंगे उतना रास्ता तो कटेगा, उतना रास्ता कट गएगा फिर आराम करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो इस पद में सदगुरु कबीर हमें कहते हैं कि ऐ मनुष्य, तुम्हारे भीतर विकारों की दवाग्नि लगी हुई है, तुम्हें बुझाने वाला कोई मिला नहीं है, अब तुम गुरु की शरण में जाओ, ज्ञान के रास्ते में लगो, और ज्ञान के रास्ते में लग करके वासना की जो पुरिया है, वासना की जो गठरी है, इसके पूरा का पूरा जला दो। जब ज्ञान द्वारा वासना की गठरी पूरी की पूरी जल जाएगी, तब तुम्हारी आत्मा का, नित्यत्व का उद्धार हो जाएगा, और
फिर इस जलने से सदैव सदैव के लिए छुटकारा मिल जाएगा। हम लोगों को चाहिए हम इस बात को समझें और इस दिशा में आगे बढ़ें।